हेलो गाइस, दिस इज अनिल एंड यू आर वाचिंग एके टेक्नो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी एक्स सेवन प्रो के अल्ट्रा के बारे में, और एक्स सेवन प्रो के बारे में मैं आपको कुछ लीक्स बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इसका जो है वो डिस्प्ले कैसा होने वाला है, 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने बताई नहीं थी क्योंकि वो पता ही नहीं चली थी। लेकिन अब जो है इसका प्रोसेसर लीक हो चुका है और दोनों की फास्ट चार्जिंग, ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम Realme X7 Pro के बारे में। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, AMOLED, और यहाँ पर जो है 6.55 इंचेस की स्क्रीन होने वाली है जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, कर्व्ड होगी। फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाला है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पंचोल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसी फ़ोन के बारे में, इसमें आपको अल्ट्रा थिन चिन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी कम चिन होने वाली है, तो चेन इसकी बहुत ज़्यादा कम होगी, और इसका जो वेट है 184 ग्राम्स का होगा, और इसकी जो थिकनेस है वो 8.5 mm थिक होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर थिकनेस एंड स्लिक डिज़ाइन पे ओप्पो एंड रियलमी अब फोकस कर रहे हैं। ऑप्टिक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और दो जो सेंसर होते हैं मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। अब वो 2 मेगापिक्सल के भी हो सकते हैं, 5 मेगापिक्सल के भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek मैन्युफैक्चर Dimensity 1000 प्लस देखने को मिलेगा, जो कि प्रो एडिशन में होगा, 5G है, और यहाँ पर जो बैटरी है वो 450 यानी कि 4500 mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग 65 वॉट की। एंड इस प्रोसेसर की जो स्पीड है वो है 2.6 GHz, जो कि काफ़ी फास्ट है, लेकिन लिटिल बिट हीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो GPU है वो माली का होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Realme X7 Pro Ultra के बारे में, तो यहाँ पर आपको 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और जो है वो पंचोल डिज़ाइन देखने को मिलेगी लाइक X7 Pro उसी की तरह ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी के बारे में, इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। आपको कौन सा होगा, क्या होगा, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की है Realme ने, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि ये जो है ये भी 5G होने वाला है। इसका जो वेट है 175 ग्राम्स का होगा, यानी कि उसके मुकाबले काफ़ी कम है, और यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऊपर जो है वो एमोलेड डिस्प्ले था, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी और 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलेगा, जो कि हमने ASUS ROG Phone 3 में देखा, और ये जो प्रोसेसर है वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर बनने वाला है, आई थिंक बन चुका है, लेट चेक दिस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया विच इज़ वर्ल्ड फास्टेस्ट स्मार्टफोन प्रोसेसर, तो यहाँ पर टॉप पे आप देख पा रहे हो स्नैपड्रैगन 865 प्लस हैज़ एन एड्रीनो 650 GPU फॉर ग्राफिक्स वोज स्पीड 10% मोर देन बिफोर। इट्स CPU स्पीड इज फ्रॉम 2.84 GHz टू 3.1 GHz, विच इज क्लेम टू बी द फास्टेस्ट स्पीड ओवर। सैमसंग हैज़ लॉन्च अ न्यू 5G Exynos प्रोसेसर, दिस प्रोसेसर विल बी यूज इन मिड रेंज स्मार्टफोन्स। तो ये जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट स्मार्ट प्रोसेसर माना गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। चिप मेकर क्वालकॉम हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 एंड दिस इज़ द प्रोसेसर दैट इट इज़ सेट टू बी पावर टॉप एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑफ 2020, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस सबसे टॉप पर है अभी। तो वीडियो पसंद तो लाइक करो, कमेंट करो, तो आपको ये स्पेसिस एंड ये प्रोसेसर की नॉलेज कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।